हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं पापा हम बहनों को पैसे दे रहे हैं किस लिए पैसे दे रहे हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे भैया की शादी होने वाली है बस अब कुछ दिन में ही शादी है और हम लोग जो जोर शोर से शॉपिंग कर रहे हैं शादी के लिए भाभी के लिए भैया के लिए अपने लिए घर वालों के लिए तो यहाँ पर पापा पैसे दिए हैं हम बहनों को कि तुम लोग भी अपने लिए शॉपिंग कर लेना जो भी ड्रेस पसंद आए तुम लोग को ले लेना अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं हम लोग को इतना पैसा मिल गया है कि बहुत ही अच्छा अच्छा ड्रेस हम ले लेंगे एक्चुअली चांदनी तो पहले ही ड्रेस ले चुकी है लेकिन मैं और रीना हम दोनों भी ड्रेस लेंगे अपने लिए अच्छे खासे पैसे मिलके हैं अच्छा अच्छा ड्रेस लेंगे हम लोग दिखाएंगे आप लोग को लेंगे तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं हम तीनों लोग आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए शॉप पे मैं हूँ मेरी छोटी बहन है जिसकी पिछले साल शादी हुई थी और मेरी मम्मी है हम तीनों आए हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे ये सूट हम लोग देख रहे थे ये वाला सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये जितने भी शॉपिंग कर रहे हैं ना हम लोग ये शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं खुद के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे हैं अभी कुछ भाभी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं कुछ भाभी के घर वालों के लिए यानी मेरे भैया के ससुराल वालों के लिए कुछ अपने यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए कुछ मेरी बुआ लोग के लिए भी मतलब जितने सारे लोग हैं ना सबके लिए कुछ न कुछ खरीद रहे हैं हम लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग जब सारा शॉपिंग हो जाएगा ना तो मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या लिए हैं यहाँ पर फिर से हम लोग लक्ष्मीपति की साड़ियाँ देख रहे हैं और लक्ष्मीपति की साड़ियाँ मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी मम्मी को भी बुआ लोग को भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये ब्रांडेड होती है ना और इसका क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होता है इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है इस वजह से सब लोग यही पसंद करते हैं तो अभी हम लोग बुआ लोग के लिए साड़ी देख रहे हैं दुकानदार अंकल जो हैं वो बहुत सारी साड़ियाँ दिखा रहे हैं मतलब तरह तरह की साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखा रहे हैं जो ब्रांड की साड़ियाँ हैं ना वही सब हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ऐसे किसी को और कोई साड़ी पसंद उतना आता भी नहीं है तो इस वजह से हम लोग लक्ष्मीपति या फिर अलग अलग ब्रांड की जो साड़ी होते हैं ना वही सब देख रहे हैं हम लोग ताकि जिसको भी दे तो वो खुश रहे ऐसा नहीं कि फॉर्मालिटी के लिए कुछ भी दे दो हम लोग चाहते हैं कि जिसको भी साड़ी दो ना तो उसको पसंद आए वो पहने वो खुश होए ऐसा नहीं कुछ भी दे दो पसंद आए चाहे ना आए फेंक दे कुछ भी करे बस हम अपना फॉर्मालिटी पूरा करें इस वजह से हम लोगों ने कहा कि नहीं जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना जैसे क्वालिटी फैब्रिक अच्छी होती है, है ब्रांड की होती हैं वही सब लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अभी साड़ी बहुत सारी साड़ियाँ देख रहे हैं हम लोग और मेरी बहन को मुझसे जो छोटी वाली बहन है जिसके साथ पिछले साल हुई है उसको साड़ियों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है क्योंकि वो हमेशा सा साड़ी ही पहनती है उसके ससुराल से बहुत साड़ियाँ खरीदाती भी है उसके लिए तो उसको अच्छा खासा नॉलेज है तो इस वजह से वही देखती है कि फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ सही है कि नहीं मुझे ज़्यादा पसंद मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आता है ये सब चीज़ें कि ये साड़ी अच्छी है कि नहीं फैब्रिक अच्छी है कि नहीं साड़ियों के बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है सूट के बारे में नॉलेज है लेकिन साड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस वजह से मेरी बहन ही देखती है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पचासों साड़ी निकाल के यहाँ पर अंकल रखे हुए हैं हम लोग देख रहे हैं मम्मी भी देख रही हैं और जो जो पसंद आएगा ना हम लोग अलग करते जाते हैं जैसे जो जो पसंद आता है वो सब साइड करवाते जाते हैं हम लोग और फिर लास्ट में सबका बिल बनवाते हैं फिर लेके चले जाते हैं अभी तक लगभग पचास साड़ी हम लोग खरीद चुके होंगे सब दिखाऊंगी आप लोग को आराम आराम से थोड़ा वो होता है ना कि शादी ब्याह में शॉपिंग करते टाइम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इंसान की कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं जैसे सब कुछ शॉपिंग सारा शॉपिंग हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है बुआ के लिए क्या लिया है हम लोगों ने भाभी के लिए क्या लिया है मम्मी के लिए क्या लिया है आने वाले मेहमानों के लिए क्या क्या लिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ मेरे पापा भी बैठे हुए हैं पापा भी आए हुए हैं पापा अपनी बहनों के लिए यानी मेरी बुआ के लिए सारी पसंद कर रहे हैं और पापा मेरी बुआ लोग को बहुत प्यार करते हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों को और मेरी मम्मी भी अपनी ननद लोग को बहुत प्यार करती है जैसा कि आप लोग देखे होंगे अगर बुआ के विदाई वाला ब्लाउज तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरी मम्मी अपनी ननद को कितना प्यार करती है तो पापा मम्मी लोग अभी अपनी मतलब मेरी बुआ के लिए सारी पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी सारियाँ दिखा रहे हैं यहाँ पर अंकल अभी ये है कि पसंद आने वाली बात है फैब्रिक क्वालिटी सही है कि नहीं है सब देखेंगी बहन मेरी बहन उसके बाद उसको जो पसंद आएगा ना हम लोग लेते जाएंगे यहाँ पर अंकल बहुत सारियाँ दिखा रहे हैं अभी ये विशाल के दिखा रहे हैं विशाल ब्रांड की साड़ी जो जो पसंद आ रहा है हम लोग को साइड करते जा रहे हैं जो नहीं पसंद आ रहा है वो हटा ही रहे हैं तो अभी देख रहे हैं हम लोग आप लोग भी देखो देखने में तो बहुत मजा आता है वैसे भी मेरे शॉपिंग ब्लॉग्स बहुत सारे लोगों को बहुत दे अच्छे दे लग दे रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग बहुत उसके लिए दिल से थैंक यू यहाँ पे ये वाली साड़ी भी हम लोग को पसंद आ रही थी धीरे धीरे हम लोग सब लोग देख रहे थे और कुछ यहाँ पे दुकानदार सॉरी कस्टमर थे जो लोग देख रहे थे ये येलो वाली साड़ी हम लोग को बहुत पसंद आ रही थी देखिए जो साइड में अभी मम्मी येलो ली थी ना ये बहुत ही पसंद आ रही है हम लोग को ये साड़ी और मतलब और भी सारी हम लोग देख रहे हैं अभी जो जो पसंद आएगा सब लेते जाएंगे आप लोग भी देखो मजा आ रहा है ना जो येलो कलर की साड़ी अभी मम्मी दिखा रही है मेरी बहन को ये वाली साड़ी हम लोग को बहुत पसंद आ रही है और ये वाली साड़ी मम्मी कब से ढूंढ भी रही थी एक्चुअली मेरी मामी के पास ऐसा साड़ी है और किसी किसी के पास साड़ी ऐसा है मम्मी देखी है पहने हुए तो मम्मी को बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मेरे पास भी एक साड़ी ऐसा होना चाहिए लक्ष्मीपति की साड़ी है तो इसीलिए मम्मी को पसंद आ रहा था तो हम लोगों ने ले लिया पापा भी साइड में बैठे हुए हैं मैं तो चुपचाप से बैठ के देख रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में आता नहीं है साड़ी का नॉलेज मुझे ज्यादा है नहीं मम्मी थोड़ा बहुत देख रही है पापा को दिखा रही है देखिए आप लोग पापा को मम्मी दिखा रही है कि ये वाला साड़ी अच्छा लग रहा है वो वाला साड़ी अच्छा लग रहा है और मेरी बहन साइड में बैठी हुई है वो देख रही है अच्छा लगता है ना शॉपिंग करने आओ तो भले आपको समझ में आता हो नहीं आता हो वो तो बात का बात है लेकिन अपने देखने में भी तो बहुत मज़ा आता है मैं तो सिर्फ इसलिए आती हूँ देखने के लिए आती हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए आती हूँ फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो शेयर भी नहीं करते हो कमेंट भी नहीं करते हो कितना तो गलत बात है मुझे बुरा लगता है प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो और प्यारे प्यारे से कमेंट भी किया करो यहाँ पे अंकल इतनी सारी साड़ियाँ दिखा दिखा चुके हैं देखिए आप लोग कितनी साड़ियाँ रखी हुए हैं इतना तो ये लोग ये हटा भी दिए हैं अभी यहाँ से और अभी हम लोग यहाँ पर मम्मी दे रही है कार्ड दुकानदारों को कुछ दुकानदारों से मम्मी की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है मतलब हमेशा हम लोग सामान ले जाते हैं ना तो दोस्ती हो गई ये हंस रहे हैं मैं इनका वीडियो शूट कर रही थी तो कह रहे हैं आप वीडियो ले रही हो तो हम लोग भी हंस रहे हैं अभी और मम्मी सब दुकानदारों को सारी दे रही हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं चप्पल जूता लेने के लिए मेरी बहन को चप्पल लेना था ये मुझसे छोटी वाली बहन इसको चप्पल लेना था तो ये यही बोली कि दीदी चलो देख देखते हैं चप्पल जूता कुछ पसंद आता है तो एक तो ले लेते हैं तो ये भी हम लोग आए इनके पास हम लोग कुछ दिन पहले भी आए थे छठ पूजा के टाइम पर मैं चांदनी और रागिनी आए हुए थे चप्पल लेने के लिए मतलब इनका नया नया अभी दुकान खुला हुआ है और अच्छा खासा दे देते हैं इस वजह से मम्मी भी अभी देख रही है चप्पल हम लोग ले लिए हैं अब और अब हम लोग आ चुके हैं आ, सोनार के दुकान पे कुछ चीज़ें लेना था मेरी बहन को ये जब भी आती है ना अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेती है अच्छे खासे पैसे हैं इसके पास इसके पति अच्छा खासा जॉब करते हैं तो पैसे हैं अपना तो ये अपने पति के लिए भी कुछ ना कुछ लेते रहती है या फिर अपने लिए भी इसके पति पैसे दे के भेजते हैं तो, तो वही बस अभी देख रही है ये अपना कुछ कुछ ऑर्डर दे रही है कि क्या क्या बनवाना है क्या क्या करना है सब कुछ और फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक चिमटा लेने के लिए रोटी बनाने के टाइम चिमटा नहीं है अभी घर पर टूट गया है चिमटा तो बहुत दिक्कत हो रही थी तो इस वजह से मम्मी से मैंने कहा कि एक चिमटा तो ले लो कम से कम तो मम्मी अभी बर्तन की दुकान पर आई हुई है चिमटा लेने के लिए हम लोग चिमटा लिए हैं एक और तवा ढूंढ रहे थे हम लोग वो जो एलमिनियम वाला तवा होता है ना वो वाला लेकिन मिला ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं फिर ये बोले हैं कि बाद में ले आऊँगा और अभी हम लोग आ चुके हैं अलमारी की दुकान पे फर्नीचर के दुकान पे यहाँ पे मेरी बहन अलमारी देख रही थी घर के लिए एक अलमारी लेना है मम्मी के लिए तो वही अभी हम लोग अलमारी देख रहे हैं और जब फर्नीचर की दुकान पर मैं आती हूँ ना मुझे लगता है कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देख के बहुत ही खुशी होती है लेकिन फर्नीचर बहुत महंगे मिलते हैं ये हमारे बस की बात नहीं होते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं अलमारी बहुत अच्छे अच्छे मतलब नए डिज़ाइन के लेटेस्ट आए हुए हैं अलमारी मेरी बहन अभी देख रही है खोल खोल के इसको हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है मुझे नहीं ज़्यादा समझ में आता है मैं इससे बनी हूँ फिर भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में लेकिन मेरी छोटी बहन को मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसको हर चीज़ का क्वालिटी सब कुछ समझ में आता है कि सही है कि नहीं है और ये मुझे बताती है कि दीदी देखो ये चीज़ अच्छा नहीं है दीदी ये ये देखो ये अच्छा नहीं है ये बुरा है ये ऐसा है वैसा है यहाँ पर बहुत सारे अलमारी लगे हुए हैं जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत लेटेस्ट अलग अलग तरह के अलमारी आए हुए हैं तो वही सब अभी हम लोग देख रहे हैं देखने के बाद देखते हैं अभी और क्या क्या काम है यहाँ पे इस दुकानदार को भी मम्मी ने कार्ड दे दिया है कुछ दुकानदार हैं जो मतलब जिनसे जान पहचान हो गई है तो मम्मी बोलती है कि शादी में इनवाइट कर लेते हैं सबको बुला लेते हैं तो मम्मी यहाँ पे भी कार्ड दे दी हैं अभी हम लोग घर चल रहे हैं घर चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या खरीदा है हम लोगों ने आज मार्केट से चलिए आप लोग पहले घर ये देखिए हम लोग घर आ चुके हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कौन कौन से साड़ी खरीदे हैं हम लोग ये देखिए ये वाला साड़ी खरीदे हैं हम लोग ये जितने भी साड़ी आज हम लोग खरीदे हैं ना सब लक्ष्मीपति की है और ये एक आई थिंक आसमानी कलर है ग्रीन कलर बोला जाएगा ना इसको और ये येलो कलर की साड़ी हम लोग खरीदें हैं ये मम्मी को बहुत पसंद था तो पापा बोले ले लो जितनी भी साड़ियाँ पसंद आ रही थी ना मम्मी को या फिर मेरी बहन को पापा बोल रहे थे ले लो सब ले लो जितना तुम लोग को पसंद है सब ले लो तो ये सब साड़ियाँ खरीदाई हैं आज और भी बहुत सारी साड़ियाँ ख़रीदाई हैं हम लोग इससे पहले भी मार्केट गए थे शॉपिंग करने आप लोग देखे होंगे व्लॉग तो जितनी भी साड़ियाँ ख़रीदाई हैं लगभग पचास साड़ी तो खरीदा ही गया होगा तो अभी आप लोग को आराम से मैं दिखाऊँगी आज बस इतना ही खरीदाया है और इधर मेरी बहन जो है अभी पैसे गिन रही है अपना जब हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं मैंने दिखा दिया कि क्या क्या खरीदा है अभी और कुछ और सारी खरीदाया है जो अभी इधर है, दिखाऊंगी सब कुछ आप लोग को धीरे धीरे भाभी के लिए कितनी सारी खरीदाया है और जो रिश्तेदार लोग हैं उन लोग के लिए क्या क्या खरीदाया है सब दिखाऊंगी धीरे धीरे मम्मी कल दिखावे के ठीक बा कल दिखाऊंगी कि क्या क्या खरीदा है हम लोगों ने अभी तक तो चलिए इस ब्लॉग को अभी पेंट करती हूँ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में कल के ब्लॉग में सारी दिखाऊंगे आप लोगों को कौन कौन सा सारी खरीदा है किसके किसके लिए और भी जो भी चीजें खरीदा है ना सब दिखाऊंगे आप लोग को तो अभी के लिए बस इतना ही बाय टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत